सोचिए कि आपको बहुत प्यास लगी है और आप किसी ब्रांडेड कंपनी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने की सोच रहे हैं, तो फिर आप दोबारा सोचें, क्या आप ब्रांडेड कंपनी के पानी से अपने शरीर को भारी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक ग्रुप रिसर्चर्स ने उनके नए डेवलप किए गए लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहां की 3 ब्रांडेड कंपनियों की 1 लीटर पानी की बोतलों से लगभग 2.5 लाख नैनोप्लास्टिक यानी बहुत छोटे प्लास्टिक पार्टिकल पाए। वैज्ञानिकों ने पहले ही पानी में नैनोप्लास्टिक का होना संभावना बताई थी, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में यह उन्हें नहीं पता था। ये नैनोप्लास्टिक पार्टिकल इतने छोटे हैं कि वे हमारी कोशिकाओं की पर्दा तक घुसकर कोशिका के मरने का कारण बन सकते हैं। नैनोप्लास्टिक यदि हमारे शरीर में लॉन्ग टाइम जमा होता है तो उससे कैंसर और ब्रेन डेथ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और अगर आपको यह लगता है कि अमेरिका के पानी में नैनोप्लास्टिक के पार्टिकल मिलने पे हम क्या कर सकते हैं, तो फिर ये याद रखें कि अगर अमेरिका में हर लीटर पानी में 2.5 लाख प्लास्टिक पार्टिकल होते हैं, तो भारत और उसके आसपास के देशों के पीने के पानी की स्थिति कितनी खराब है। नमस्कार दोस्तों, विजडम ऑफ साइंस चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे मैं कोई साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं कहता हूं। यहां आपको साइंस जर्नल में पब्लिश नई साइंस इन्वेंशन या डिस्कवरी के ऊपर वीडियो मिलेगा। चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंटिस्ट को कैसे अमेरिका के प्रति 1 लीटर ब्रांडेड पानी की बोतल में लगभग 2.5 लाख नैनोप्लास्टिक पार्टिकल मिले हैं। नैनोप्लास्टिक क्या है? इसके अलावा इस पर हम बात करेंगे कि नैनोप्लास्टिक का मानव शरीर पर कैसा प्रभाव हो सकता है। नैनोप्लास्टिक का नाम सुनते ही हर कोई समझ जाता है कि यह छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े हैं। इससे पहले आपने माइक्रोप्लास्टिक का नाम सुना होगा। 5 मिलीमीटर साइज के छोटे किसी भी प्लास्टिक टुकड़े को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है, और नैनोप्लास्टिक होते हैं इससे भी छोटे प्लास्टिक के टुकड़े। इनका साइज आमतौर पर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। इसका साइज समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं। हमारे बाल लगभग 1 लाख नैनोमीटर चौड़े होते हैं। नैनोप्लास्टिक पार्टिकल को देखने के लिए शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इतने छोटे साइज के लिए ये आसानी से हमारे कोशों के पर्दे को भेद करके कोशों के अंदर आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि नैनोप्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक हमारे पर्यावरण में कैसे बन रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि हम अब प्लास्टिक युग में जी रहे हैं। एक बार सोचें, हम अपने पूरे दिन में जो सामान इस्तेमाल करते हैं उसमें लगभग 80% प्लास्टिक से बना होता है। वर्तमान में हर साल लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक बनाया जा रहा है। उनमें से 50% प्लास्टिक को सिर्फ एक बार का उपयोग करने के बाद ही फेंक दिया जाता है। आंकड़ों के अनुसार हर साल लगभग 200 से 300 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल बन रहा है, जिसमें से केवल 9% प्लास्टिक को रीयूज के लिए रिसाइकलिंग किया जाता है, और बाकी का प्लास्टिक को या तो जलाया जा रहा है या समुद्र में या लैंडफिल में फेंका जा रहा है। प्लास्टिक एक्चुअल में अनऑर्गेनिक पॉलीमर है। हर पॉलीमर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है उनका लाइफ टाइम, जो कि बहुत धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता है। प्लास्टिक को नेचुरली डिसइंटीग्रेट होने में लगभग 500 साल से भी ज्यादा समय लगता है। समुद्र और लैंडफिल में छोड़े जाने वाले बड़े प्लास्टिक टुकड़े समय के साथ जल, सूर्य की रोशनी, हवा और विभिन्न प्राकृतिक जीवाणुओं के माध्यम से छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक बनते हैं। नैनोप्लास्टिक पार्टिकलें इतनी छोटी और हल्की होती हैं कि ये आसानी से हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती हैं। इसलिए हिमालय से लेकर एंटार्कटिका के ग्लेशियर तक, जहां मानव कभी रहे नहीं, वहां भी माइक्रो और नैनोप्लास्टिक की टुकड़े मिले हैं। वैज्ञानिकों को लंबे समय से पीने के पानी में नैनोप्लास्टिक मिलने की आशंका थी। इतना ही नहीं, पिछले साल कुछ वैज्ञानिकों ने भी कहा था कि हर हफ्ते लगभग एक ATM कार्ड में जितना प्लास्टिक है, यानी कि 5 ग्राम प्लास्टिक, हमारे शरीर में पानी, खाना और सांस के जरिए प्रवेश कर रहा है। रिसेंटली कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक ग्रुप रिसर्चर्स ने अमेरिका के 3 ब्रांडेड कंपनियों की पानी की बोतलों में इतने इनविजिबल पार्टिकल देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वैज्ञानिकों ने अपने नए डेवलप हाइपरस्पेक्ट्रल रमान स्कैटरिंग इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके पानी की बोतलों में प्लास्टिक पार्टिकल का खोज किया है। इस इंस्ट्रूमेंट ने 100 नैनोमीटर साइज के नीचे के छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। हाल ही में
उन्होंने अपने रिसर्च के रिजल्ट को साइंस के रिप्यूटेड जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश किया है। हर लीटर बोतल में उन्होंने लगभग 1,10,000 से 4,00,000 माइक्रो और नैनो प्लास्टिक की खोज की है, जिनमें 90% नैनो प्लास्टिक है और बाकी 10% माइक्रो प्लास्टिक है। जल में प्लास्टिक पार्टिकल्स का होने की कारण हो सकता है कि ये प्लास्टिक पार्टिकल्स शायद जल के बोतल से आए हों, या फिर जल फिल्टर के समय रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया में इस्तेमाल की गई मेम्ब्रेन से भी ये प्लास्टिक पार्टिकल्स आ सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने उन 3 ब्रांडेड कंपनियों के नाम बताया नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं? प्लास्टिक पार्टिकल्स के मानव शरीर पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, इसका कोई वैज्ञानिक पूर्ण प्रमाण नहीं है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यदि कोई इंसान इस टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल के संपर्क में लंबे समय तक आता है तो कैंसर, स्टमक प्रॉब्लम से लेकर ब्रेन डेथ तक हो सकता है। सबसे ज्यादा बच्चों को इसका इफेक्ट पड़ सकता है। प्लास्टिक पार्टिकल्स के इफेक्ट से बच्चों के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट में बाधा हो सकती है। जहरीला प्लास्टिक पोल्यूशन से बचने के लिए हमें सबको मिलकर काम करना होगा। जितना हो सके हमें प्लास्टिक का यूज कम करके प्राकृतिक वस्तुओं का यूज बढ़ाना होगा। यूज के बाद प्लास्टिक को सही तरीके से रिसाइकल करना होगा, और जितना हो सके प्लास्टिक बोतलों को छोड़कर कांच की बोतलों में पानी पीना शुरू करना होगा। अब मैं आप लोगों को अलविदा कहता हूं। सभी स्वस्थ और खुश रहें। यदि आपको मेरे वीडियो वैज्ञानिक और जानकारी पूर्ण लगते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।